जय मल्हार, भारत माता की जय। महाराजा यशवंत राव होलकर प्रथम के देहावसान बाद 1811 में उनके पुत्र मल्हार राव द्वितीय के नाम से होलकर राजवंश की गद्दी पर विराजते हैं। और हम देखते हैं कि उनके समय उनकी बड़ी बहन भीमाबाई होलकर और इस तरह का उनका सहयोग करती है कि जिस तरह का अन्य किसी रानियों ने कभी नहीं किया होगा। हम आगे चल के देखते हैं भीमाबाई होलकर के नेतृत्व में मल्हार राव द्वितीय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का संचालन करते हैं। 21 दिसंबर 1817 में ऐतिहासिक युद्ध होता है। उनकी बहन राजकुमारी भीमाबाई होलकर अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होती है, यानी कि रानी की झांसी की रानी से भी पहले 1817 वो युद्ध का वर्णन करते हैं। तो कम से कम 40 साल पहले का ऐतिहासिक प्रसंग है। भारत की महान वीरांगना भीमाबाई होलकर के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है, लेकिन दुर्भाग्य से मराठे वो युद्ध हार जाते हैं और यशवंतराव होलकर के बाद उनके पुत्र मल्हार राव होलकर द्वितीय भी संधि में जकड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के हाथ पैर और पसर जाते हैं और भारतीय पूरी तरह से अंग्रेजों के गिरफ्त में आ चुका था। यदि यशवंत राव होलकर का कहना 1804 में वो मान गए होते तो ऐसे दुर्दिन हिंदुस्तानियों को देखने ना पड़ते। आगे चल के इस होलकर राजवंश के महान राजाओं में जो हमारे राजा हुए हैं अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 का जब गदर हुआ था उस समय का वर्णन हमें ध्यान करने में आता है। तो कोजीराव होलकर द्वितीय एक ऐसे हमारे इस राजवंश के महान राजा हुए हैं जो कि इंदौर के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने स्वयं अपने दम पे, यानी अंग्रेजों ने जब मना किया कि हमारे पास पैसा नहीं है रेल के लिए बढ़ावा देने के लिए, तो इंदौर तक, दिल्ली से लेके इंदौर तक रेल कैसे पहुँचे इस तरह की, और खारगोन डिस्ट्रिक्ट उस समय का जो जिक्र मिलता है वहाँ की, रेल के बढ़ावा देने के लिए स्वयं तुकोजीराव होलकर द्वितीय महाराज साहब ने जमीन उपलब्ध कराई। अंग्रेजों ने कहा कि पैसा नहीं है, सारा अपना पैसा लगाया और रेल व्यवस्था को सुचारू तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने उस समय पे किया। राज्य में व्यवसाय व्यापार और बढ़े, उसके लिए उन्होंने बड़ा महान काम किए। और जो 1857 में जब हम देखते हैं कि एक ऐसा मौका आया कि जब अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी ने विद्रोह किया, हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा रजवाड़ा हम देखने में आता है 1857 में, केवल तुकोजीराव होलकर द्वितीय के रूप में इंदौर का रजवाड़ा था, जिन्होंने उस समय पर कहा था यदि क्रांतिकारी हमारे आश्रय लेने के लिए हमारे होलकर स्टेट में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। इतना दमदार, यानी पूरी तरह से अंग्रेजों के जकड़ने के बाद भी हमारे भारतीय इतिहास के एक ऐसा दमदार राजा हिंदुस्तान में था। उसके बाद कहीं ना कहीं आगे चल के अंग्रेजों ने और दमन करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने होलकर राजाओं के अधिकारों को, उनके क्षेत्र के अधिकार को और ज़्यादा सीमित करने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं उनके अर्थ के मामले में भी वो कम न कम छोड़ते चले गए। आने वाले समय पर जब उनके पुत्र शिवाजी राव होलकर के रूप में शासक के रूप में आते हैं तो तुकोजीराव होलकर के देहावसान के बाद शिवाजीराव होलकर जब शासक बनते हैं तो वो भी एक ऐसे महापुरुष थे। कहीं ना कहीं उत्तर और मध्य भारत का मिलान करने का प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने जब ऐसा प्रयास किया कि कहीं ना कहीं होलकर सेना को पुनर्गठन करने का प्रयास किया, क्योंकि ये हमारे देश का धनगर समाज, देश का गढ़िया समाज पूरे उत्तर भारत हिंदुस्तान में हर जगह विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दम पे सामाजिक आधार पर होलकर सेना को खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय पर अंग्रेजों ने इस समाज के बीच में फूट डालने का काम किया। कहीं ना कहीं 1891 के जनगणना के आंकड़े बताते हैं धनगर नीखर के रूप में उन्होंने समाज को भेद करने का प्रयास किया। दक्षिण से आने वाले मराठे हैं, इनसे तुम्हारा क्या संबंध है, आप तो यहाँ के उत्तर भारत के रहने वाले हो, आप साफ सुथरे हो, आप लिख रहे हैं, इस तरह का अंग्रेजों ने वहाँ पर कूटनीति से उनको शांत करने का प्रयास किया। शिवाजी राव होलकर महाराज के रूप में एक ऐसा खेल प्रिय शासक के रूप में हम उनको देखते हैं कि उनके समय पर विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को उन्होंने अनुदान तो दिया ही, लेकिन खेल के क्षेत्र में कुश्ती के रूप में उन्होंने विशेष प्रयास किया। वो स्वयं भी एक बड़े अच्छे योद्धा थे, पहलवान थे, और जब पाकिस्तान के पहलवान उस समय के अली साई ने आके इंदौर के भरे दरबार में कहा पूरे राज दरबार में है कोई जो मेरी चुनौती को स्वीकारे, सभी मल्ल युद्धों में सभी को कुश्ती में परास्त कर चुका था, तो स्वयं शिवाजी राव होलकर स्वयं अपने कपड़े उतारने को तैयार हो गए थे उससे युद्ध करने के लिए, लेकिन उसने क्षमा मांगी, महाराज मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। उसको डर था कहीं ना कहीं तलवार से कटवा के मरवाने दें, लेकिन ऐसा नहीं होना था, लेकिन चलो हम तुम्हारी एक शक्ति की परीक्षा लेते हैं। तो शिवाजी राव होलकर ने स्वयं उनको सोने की मुद्रा अपने होलकर स्टेट की दी थी कि अब तुम इसे चौड़ा करके दिखाओ। पूरा प्रयास करने के बावजूद भी उस थोड़ी मोटी स्वर्ण मुद्रा को वो चौड़ा नहीं कर पाया और शिवाजीराव होलकर ने उस समय पर अपने हाथ से ही उसको दोगुना चौड़ा कर दिया था। ऐसे थे शिवाजीराव होलकर। शिवाजीराव होलकर को कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने होलकर राजवंश को ही समाप्त करने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं कुचक्र में फंसा के होलकर राजगद्दी को ही समाप्त करने का प्रयास किया। तो जब एक बार ऐसा मौका आया, शिवाजीराव होलकर ने स्वयं अपने पुत्र तुकोजीराव होलकर तृतीय के नाम से शासक बने, अपने पुत्र को उन्होंने शासन सत्ता का सौंप दिया और स्वयं साधारण राज्य विहीन होकर अपने आप को राजा ना कह के जीवन जिया। और इसी तरह तुकोजीराव होलकर भी और ज़्यादा महान थे। उनके जीवन में हम देखते हैं उन्होंने
स्वयं अंग्रेजों के विरुद्ध वही पिता के प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उत्तर भारत, मध्य भारत, हिंदुस्तान को सबको एक करके सेना खड़ी करने की तैयारी में लगे रहे। अंग्रेजों के समय पर दिल्ली में लाल किले में अंग्रेजों का दरबार लगा करता था। शिवाजीराव होलकर भी उनके दरबार में आया करते थे, उनका भी ऐतिहासिक चित्र है। तो खुजराव होलकर का भी आना हुआ था और अंग्रेज कहीं ना कहीं दिल्ली को डेवलप करना चाहते थे, दिल्ली के यानी कि पुनर्निर्माण करना चाहते थे, राजधानी सेंटर दिल्ली बनाना चाहते थे। और उस मौके पर जब लाल किले में दरबार लगा तो खुजराव होलकर तृतीय भी कहीं ना कहीं चाहते थे अंग्रेजों को अपने फेवर में लेके कि इनके विरुद्ध हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं। और खुजराव होलकर ने उस समय पर ऐसा प्रयास किया कि भाई कहीं ना कहीं इनके फेवर में कुछ ना कुछ काम करने चाहिए। तो हम देखते हैं कि उस समय पर लेडी हार्डिंग जो आज का बना हुआ है उसको 60,000 की डोनेशन खुजराव होलकर ने दिए। अन्य चैरिटेबल संस्थाओं को उन्होंने अंग्रेजों को खुश करने के लिए उस समय पर दिए और देश के लिए भी अनेकों काम किए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनवाने को 5,00,000 रुपए दान दिए। और हम देखते हैं आगे चल के कि खुजराव होलकर ने उस समय पर 1911 में जब जाज पंचम का दरबार दिल्ली में लगा था तो खुजराव होलकर ने प्रयास किया था कि भाई जब अंग्रेज जनरल ने कहा था कि भाई हम अपने दिल्ली को डेवलप करना चाहते हैं सेंटर के लिए, तो खुजराव होलकर ने कहा था सुबह आप हमारे होलकर स्टेट में घूमने के लिए आइए। दिल्ली हम देखते हैं सभी राजाओं के अपने केंद्र के रूप में जयपुर हाउस, छत्राबाद हाउस, इस तरह के हाउस हुआ करते हैं, सिंधिया हाउस। और आज दिल्ली में कहीं घूमने से भी नहीं मिलता क्योंकि 1752 से लेके 1752 से लेके 1911 तक अस्तित्व में रहा यादगार जो लुटियन जोन्स है ये खुजराव होलकर की ही उस समय का होलकर स्टेट का एक भाग रहा। दिल्ली के बादशाह के समय पर दिया हुआ सनद प्राप्त किया हुआ है होलकरों का, होलकर राज्य 1911 तक इंदौर का रजवाड़े के अस्तित्व में रायसीना हिल्स रहा। तो यही था, यही पर अंग्रेजों ने आगे चल के डेवलपमेंट किया इसको अपनी राजधानी बनाने के लिए। आज का राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, लुटियन जोन, ये सारा खुजराव होलकर के समय का दिया हुआ ये हमारा को देखने को मिलता है। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन, मुगल गार्डन नहीं होलकर उद्यान है, इसे होलकर उद्यान ही कहना चाहिए, होलकर उद्यान ही चाहिए साहब। और इसी तरह से अंतिम नरेश यशवंत राव द्वितीय के नाम से जाने गए। 1946 तक होलकर स्टेट के राजा रहे। 1948 में उन्होंने भारत माता के चरणों में होलकर राज्य को विलीन किया। बड़े अच्छे खेल प्रेमी थे और बड़ा अनुदान दिया करते थे क्रांतिकारियों की गतिविधियों के लिए। वो भी दिल्ली में आज भी एक सप्रू हाउस है, आज भी आज जाके उसका अवलोकन कर सकते हैं। सभी राजाओं ने जहाँ पे 5,000, 10,000, 20,000 का डोनेशन दिया। बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नाते सभी व्यापारियों ने मिलकर 85,000 डोनेशन दी है। और वहीं पर सबसे ऊंचा एक स्थान पे नाम लिखा हुआ है हिज हाइनेस महाराजा यशवंत राव होलकर ऑफ इंदौर। आप कल्पना कीजिए 1926 की उनकी डोनेशन राशि 1,50,000 रुपये, आज उसका क्या रोल रहा होगा। और इस तरह से बड़े अच्छे थे खेल प्रेमी यशवंत राव होलकर द्वितीय, बहुत विशेष थे। 1945 से लेके और 1951 तक 7 वर्ष के कालखंड में 5 वर्ष तक रणजी ट्रॉफी की होलकर क्रिकेट टीम विजेता के रूप में रही है। एक ऐसी विजेता होलकर क्रिकेट टीम जिसमें उस समय के विशेष धुरंधर कर्नल सी के नायडू, विजय हजारे, विजय मर्चेंट सभी उस समय होलकर क्रिकेट टीम से खेला हुआ करते थे। आज भी उनकी याद में इंदौर में होलकर स्टेडियम बना हुआ है। यहाँ मैं विशेष बात बतलाना चाहूँगा, इस होलकर राजवंश ने जहाँ पे क्रिकेट में इतना विशेष काम तो किया ही, यशवंत राव होलकर ऐसे महाराजा थे कि स्वयं उनकी एक बार का बारात का ऐतिहासिक प्रसंग हमें देखने को मिलता है। इंदौर से जब उनकी शादी के समय बारात निकली थी तो ये 8 किलोमीटर लंबा एक विशाल शोभा यात्रा यानी कि एक विशाल बारात की यात्रा किसी ने कभी करी हो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। 16 जून 1948 को यशवंत राव होलकर ने भारत सरकार के चरणों में विलय किया और स्वयं उस समय जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था इंदौर अपने आप में इतनी एक बड़ी विशेष रियासत है जिसके कि अपनी रेल है, अपनी डाक व्यवस्था हर तरह से संपन्न है, यानी कि स्वयं ही अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भी रहना स्वीकार किया है। लेकिन धन है हमारे यशवंत राव होलकर महाराज, सभी राजाओं के मुकाबले सबसे पहले उन्होंने घोषणा करी यदि हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो वो स्वयं सबसे पहले अपने को भारत सरकार के विलीन करेंगे। यशवंत राव होलकर महाराज की जय, भारत माता की जय। एक बार पुनः टीवी 19 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इस ऐतिहासिक विषय को कैप्चर टीवी में लाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, भारत माता की जय।